गंदी आदत है आपको बोल खोल के बता देता हूं। इस आदत को गुरु जी ने भी टोका फिर भी नहीं छूटती। मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए खूब तड़पता था, रोता था, भटकता था, न जाने किस किस्म के पैर नहीं पकड़े मैंने और क्या क्या नहीं किया। आप किसी को बताना नहीं, मेरे को ये भी पता नहीं रहता था कि ये व्रत मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाद में अक्कल आती थी। सावन मास की टीजड़ी का व्रत और फिर अपने हाथ पर मेहंदी रख सुबह प्रभात को उठना, अपने हाथ कुछ खा लेना, दिन भर का व्रत है, अपने हाथों पर मेहंदी रखना और फिर लेट जाना, फिर सुबह दिन भर व्रत करना और रात्रि को चंद्रमा खोजना, कलश भर के अर्घ देना। वो मैं अर्घ भी देता था। वैसे तो अर्घ देना वो माइयों का था, मेरे को पता ही नहीं कि माइयों का व्रत है। आप किसी को बोलना नहीं कि हम इतने इतने बुद्धू हो गए थे। फिर लाइट हुई, उभर उभर चंद्रा, ये चंद्र कई वर्ष रखा मैंने वो व्रत। बाद में पता चला कि ये हमारे लिए नहीं है, माइयों के लिए है, सुहाग के लिए है। उभर उभर चंद्रा, हे चंद्रमा, बादलों के बीच खो जाता है। सावन मास की तीज का व्रत होता था। तीज का चांद तो नपातुला ही होता है और वो भी बादल और बारिश, तो भूखा मरी होती, झांकते ताकते और दिन भर भूखे रहते, भूखे रहती माया। और हम भी ऐसे ही, फिर कलश लेके हम भी ऐसे ही बोलते, उभर उभर चंद्रा, साइली ककरे गोरड़ियों आई, दासियां आई। तुम्हें बोला मैं तो दासी नहीं हूं, कई वर्ष तो दासियां आई, ऐसे करके हम व्रत करते रहे। बाद में पता चला करी तेरे की, फिर पूछा तो बोले ये तो बेटे सुहाग के लिए माइयां रखती हूं। मैं क्या, चलो जो हो गया हो गया, आप किसी को बोलना नहीं। ऐसे और भी न जाने क्या क्या व्रत किए, क्या क्या रोए, क्या क्या उपवास किए, क्या क्या खाके छानी। मेरे को लगा तू एक बार मिल, फिर मैं तुझे इतना सस्ता कर दूंगा, इतना सरल बना दूंगा कि कोई भी तेरे रास्ते चले तो मैं बोलूंगा ये रह लो, ये है, ये है। ऐसा भी बोलता था उसको। अब वो नहीं मिलता, भले मैं तेरे लिए रोता हूं, छटपटाता हूं, लेकिन एक बार तू मिल तो मैं तेरे को गजारू बना दूंगा। तो गुरु कृपा से जब हो गया काम, तब कोई भी आए हरि ओम करके, और हम अपना फिर जो कुछ होता था, तो मेरे को गुरु जी ने बड़ा टोका कि क्या करता है, गिन नाम झल था, बस ले मन ले नाम और ले माल, ऐसा क्या शैनेकन था शैनेपन था। गुरु जी ने मेरे को अच्छी तरह से समझाया, लेकिन वो पहले की जो आदत पड़ी है ना कि इतना तड़पाया, अब मैं तेरे को ऐसा एक बार मिल जा तो मैं तेरा ऐसा रास्ता कर दूंगा कि बस कोई भी आकर ये है प्रभु का। तो अभी भी वो गुरुजी की भी बात याद आती है, लेकिन वो पुरानी आदत के अनुसार कोई भी आ जाता है तो बस उसको लगता है कि कुछ मिल गया, चखा तो देते हैं, फिर चलते चलते काम हो ही जाएगा देर से। एक बार हम 40 दिन कमरा बंद करके बैठ गए, बंद करके ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे रहते थे। वो एक भक्त को बोल दिया था दूध ले आना, वो बराबर दूध थर्मास में रख देते, जब भूख लगती दूध पीते थे। बाकी का हम भले, हमारा जप भला, हमारा अनुष्ठान भला। मैं सोचा कि संत कृपा करके दूसरों की शक्ति जगा सकते हैं, तो हमारी हुई तो हम कैसे दूसरों को दें। तो दूसरों को देने की योग्यता विकसित करने के लिए हम 40 दिन बैठ गए। 37वें दिन वैसे ऐसे अनुभव हुए और ऐसे ऐसा सामर्थ्य है, फिर तो फिर क्या, कब बाहर निकलूं, 40 दिन कब हूं। 40 दिन पूरे हुए, जो 5-25 आए, बाबा जी मौन खोलेंगे, और मौन खोला तो बोलते बोलते नजर डाल दिया, सबके सब है होने लगे।
उसमें शिवलाल भी पहला ग्राहक है, अभी जीवित है। वो तो आता था कि महाराज प्रसाद जो आता है प्रसाद बांट देते हैं, उसलिए वो प्रसाद के लिए आता था। लेकिन वो फिर मौन खोला तो प्रसाद मिलेगा ज्यादा। प्रसाद वो बाहर का तो मिला कितना पता नहीं, लेकिन निगाहों का मिला तो अभी तक मस्ती में जी रहा है वो बुढ़ा 80 साल का। उसकी शंकर विलास होटल थी टीसा में, शायद नाम यही होगा जहां तक मेरे को याद है। 4 नंबर ने भाभड़ा वो, 5 नंबर ने कॉफी, 6 नंबर उपटे पोतु मारो, 1.5 रुपया लो, 7 नंबर का, 5 नंबर का 50 पैसा लो। सारा दिन उसमें ही उसकी खोपड़ी लगती थी। जैसा वो बोले काउंटर वाला मैनेजर, ऐसा ही वो कैश के गल्ले पे बैठते थे अपने होटल पे। लेकिन आ गए तो आजा ले जा वाला तो लग गया चटका। फिर बोले बापू कल मैं नहीं आऊंगा दर्शन करने को। मैं क्या क्यों? बोले मेरी पूनम भरता हूँ अंबाजी माँ के पास। मैं क्या माँ के पास बेटा जाता है तो कभी माँ आई तुमको मिलने? बोले दर्शन तो नहीं हुआ। मैं क्या तुम माँ आ जाएगी मत जाना। हो गया नहीं पूनम को, और माँ ने दर्शन दे दिया घर बैठे सपने में कैसे भी। तब से तो एकदम पक्का हो गया। बोले तो माँ को भी बुला लेते, माँ को भी बुला ऐसे ऐसे ऐसी उसकी कृपा भगवान की लीला है। गुरु का प्रसाद ऐसा काम करता है कि अपने को अपनी बुद्धि वहां ओम इति अलम मत करो वर्णन हर बेअंत है। मैंने परसों कहा था आप लोगों को, ये साबरमती के इस इतने विशाल तट में लाखों की तादाद में लोग आ रहे खा रहे जा रहे बैठ रहे कर रहे, क्या किसी सरकारी तंत्र की ताकत है कि इतना शांति से और आनंद से मैनेजमेंट कर सके? मैं नहीं मानता। क्या मेरी या किसी व्यक्ति की ताकत है? मैं नहीं मानता। ये कार्यक्रम में ईश्वर का हाथ काम कर रहा है, तुम्हारे बाप का हाथ काम कर रहा है, तुम्हारे बाप के पैर काम कर रहे हैं, तुम्हारे बाप का हृदय काम कर रहा है, तुम्हारे बाप की बुद्धि काम कर रही है और सब कुछ चला रही है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण।